मालूम होगा कि कोलकाता की घटना आपने देखी होगी, लगातार सुनी होगी। उस घटना के बाद बीजापुर की घटना सामने आती है और अब ये रायगढ़ जिले की घटना जिसने सबको परेशान कर दिया है, झकझोर कर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद उसे उसी हाल में छोड़ दिया और हाल में छोड़ने के बाद उसे जान से मारने की धमकी तक दे डाली कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें जान से। इसमें जो पीड़िता जो आरोपी का नाम बताई है सबको हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है और मामले में अग्रिम विवेचना जारी है। इसके अलावा कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर एक जांच कमेटी बनाई है जिसमें महिला विधायकों को और कांग्रेस की जिलाध्यक्ष को शामिल किया है कि कांग्रेस की जांच समिति मौके पर जाएगी, इसके अलावा उस पीड़िता से बातचीत भी करेगी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहूर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और आपने कोलकाता कांड की बहुत सारी खबरें देखी होगी, तमाम मीडिया, तमाम चैनलों में, तमाम अखबारों में देखकर बहुत गुस्सा भी आया क्योंकि दरिंदे ने जो कांड किया है वो बिल्कुल माफ़ी के लायक नहीं है और उसे सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए सरकार को, कानून को। इसके अलावा बीजापुर, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जो घटना सामने आया वो भी हैरान करने वाला था। ये दो घटना से पूरा प्रदेश, पूरा देश झकझोर हो चुका था और अब तीसरा जो मामला था छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से सामने आया जहाँ पर 9 लड़कों ने मिलकर एक लड़की का गैंगरेप किया। मामला सीमित यहीं तक नहीं हुआ, इन लड़कों ने वारदात को अंजाम देने के बाद उसे उसी हाल में छोड़ दिया और हाल में छोड़ने के बाद उसे जान से मारने की धमकी तक दे डाली कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें जान से छोड़ेंगे नहीं यानी तुम्हारी हत्या कर देंगे। पूरा मामले का खुलासा होता है 20 अगस्त को। रक्षाबंधन मनाकर ये लड़की जो पीड़िता है वो अपने घर जा रही थी और ऐसा बताया गया है, उसने अपनी रिपोर्ट में दर्ज कराया है कि वो मेला देखने के लिए गई हुई थी। रायगढ़ जिले के पुसौर थाना क्षेत्र का ये मामला है, कसई वाली गांव की ये घटना है। लड़की अकेली थी और अकेला पाकर, उसे अकेला समझकर इन दरिंदों ने उसके साथ बारी बारी इज्जत लूटी। 9 लड़के थे, 9 में से 3 नाबालिग हैं जो पुलिस के हिसाब से, पुलिस ने जो जानकारी दी है। इसके अलावा 9 में से एक आरोपी की, जो अपचारी बालक है जो इस पूरे मामले में फरार था, जो अभी तक पुलिस के कस्टडी में नहीं था, वो फरार था और रायगढ़ से दूर उड़ीसा बॉर्डर पर जाकर उसकी आज संदिग्ध स्थिति में लाश मिली है। अब उसकी मौत कैसे हो गई अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं, जो कहानी सामने आई है वो ये कि खेत में सूरों से बचाने के लिए जो तार लगाए गए थे जिसमें करंट दौड़ रहा था, उस करंट की चपेट में आकर उस आरोपी की मौत हो गई। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है और अब तक जो है 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर एक जांच कमेटी बनाई है जिसमें महिला विधायकों को और कांग्रेस की जिलाध्यक्ष को शामिल किया है कि कांग्रेस की जांच समिति मौके पर जाएगी, इसके अलावा उस पीड़िता से बातचीत भी करेगी। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। 19 अगस्त की बात है, रक्षाबंधन का दिन था, पूरा देश रक्षाबंधन मना रहा था, बहनें अपने भाई को राखी बांध रही थी रक्षा करने के लिए, लेकिन इन दरिंदों को इतना भी शर्म नहीं आया कि जिस दिन उन्होंने अपने बहनों से राखी बंधवाई थी उसी हाथ से इन्होंने उस लड़की की इज्जत लूटी। 9 आरोपी थे, हो सकते कि सभी ने रक्षाबंधन मनाया हो, मनाया भी होगा, सबकी बहनें हैं, तो इन लोग को थोड़ा सा भी ये शर्म नहीं आया, थोड़ा सा भी इस बात का इल्म नहीं था कि भाई जिस लड़की के साथ इज्जत, जिस लड़की के साथ में ये गैंगरेप कर रहे हैं वो भी किसी की बहन होगी। हालांकि लड़की अकेली थी, मेला देखकर वो घर लौट रही थी, शाम का वक्त था, अकेले थी और उस अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर इन दरिंदों ने उसके साथ बारी बारी गैंगरेप किया। सड़क से लगभग 200 मीटर दूर झाड़ियों में लेकर गए और झाड़ियों में ले जाने के बाद सब ने उसकी इज्जत लूटी। जैसे ही मामला 20 अगस्त को पुलिस के सामने आया, पुलिस मामले की जांच में जुटती है और एसपी दिव्यांग पटेल, जो रायगढ़ जिले के एसपी हैं, वो इस मामले को बेहद संजीदगी से, बेहद संवेदनशील मामले को लेकर गंभीरता से एक जांच टीम बनाते हैं, एक विशेष टीम बनाते हैं और जैसे ही कंप्लेन दर्ज होता है उसके कुछ घंटे बाद आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू हो जाती है क्योंकि लड़की ने सबको पहचान रखा था, क्योंकि अधिकांश जो आरोपी हैं ये आरोपी जो है आसपास के हैं, जो जहां जिस गांव में लड़की रहती है, जो पीड़िता रहती है, उसके आसपास के गांव के ये आरोपी हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी रही और उसके बाद एक के बाद एक गिरफ्तारी हुई और आज जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं, सुबह सुबह खबर आई कि एक आरोपी जो फरार था इस मामले में उसकी मौत हो गई है। सूरों से बचाने के लिए, फसलों को बचाने के लिए, सूरों से बचाने के लिए जो कटीले तार लगाए गए थे जिसपे करंट दौड़ रहा था, उस करंट की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई है।
पुलिस मर्ग कायम कर रही है। मर्ग कायम करने के बाद जांच शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा उन आरोपियों को सलाखे के पीछे भेज दिया गया है। और एक कांग्रेस ने जांच समिति बनाई, उस जांच समिति में कौन कौन है ये भी आपको बता देता हूँ। जिस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने सवाल भी उठाया है प्रदेश सरकार पर। कांग्रेस के जांच समिति का गठन किया जिसमें सारंगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े को कमेटी का संयोजक नियुक्त करते हुए 5 सदस्यीय मेंबर को शामिल किया गया है, जिसमें लेलुंगा विधायक विद्यावती सिदार, सरायपाली विधायक चतुरी नंद, सरसीवा विधायक कविता प्राण लहरे, सारंगढ़ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अरुण मालाकर को शामिल किया गया है। जिन आरोपियों के बारे में बात कर रहा हूँ, वो आरोपियों का नाम आपको बता देता हूँ। उन आरोपियों के बारे में भी आपको जानना चाहिए कि कौन कौन है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। राहुल चौहान, मोनू साहू, राहुल खड़िया, उत्तम मिर्धा, नरेंद्र सिदार, बबलू देहरिया, नाबालिग बालक आखिरी में जो आरोपी है, और इसके अलावा एक की मौत हो चुकी है। ये सभी जो है पुसौर थाना क्षेत्र कसाई वाली गांव के आसपास के लड़के हैं, जहां पर इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा आप आगे सुनिए एसपी दिव्यांग पटेल ने इस विषय को लेकर क्या कुछ कहा है। इस विषय को सुनने के बाद आपके मन में भी गुस्सा आ रहा होगा। मेरे मन में भी गुस्सा आया जब मैंने खबर पढ़ी कि 9 लोगों ने मिलकर एक अकेली लड़की का गैंगरेप किया है सुनसान इलाके में ले जाकर। और इसके अलावा आपको मालूम होगा कि कोलकाता की घटना आपने देखी होगी, लगातार सुनी होगी। उस घटना के बाद बीजापुर की घटना सामने आती है, और अब ये रायगढ़ जिले की घटना जिसने सबको परेशान कर दिया है, झकझोर कर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इन दरिंदों ने किस तरह से वारदात को अंजाम दिया होगा। सर, कुशोर वाले मामले में अब तक क्या अपडेट है, कितने आरोपी पकड़ाए गए हैं, और सर एक नाबालिग युवक की उड़ीसा में मौत का सामने आया सर। थाना पुसौर में जो युवती के साथ सामूहिक रेप का मामला हुआ था, जिसमें अब तक 7 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। 7 आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश करके जेल भेजा जा चुका है। उसी मामले में एक नाबालिग आरोपी जो फरार था और रंगाली में जिला झारसुगुड़ा उड़ीसा में सरायपाली गांव में अपने मामा घर के यहाँ छुपा हुआ था, जिसकी हमारे पास जो सूचना प्राप्त हुई है परिजनों से, उसकी जंगली जानवर के लिए बिछाए गए इलेक्ट्रिक वायर में पांव फंसने से करंट लगने पर उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में जो झारसुगुड़ा पुलिस से हमको जानकारी मिली है, झारसुगुड़ा पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची है और अग्रिम मर्ग एवं जो व्यक्ति जिसने अवैध तरीके से इलेक्ट्रिक करंट वायर बिछाया था, उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की कार्रवाई जारी है। सर, इसमें एक आरोपी और भी फरार है, उस पर क्या कार्रवाई होगी? इसमें जो पीड़िता जो आरोपी का नाम बताई है, सबको हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है और मामले में अग्रिम विवेचना जारी है, और जो भी बताया जाएगा उसके अनुसार पूर्ण कार्रवाई की जाएगी।